ये है एक ईट, ये है एक केजी का वेट और यहाँ पर पानी से भरा हुआ एक जार। तो गाइस यार आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि पानी के अंदर जो ये चीजों का वजन काफी ज्यादा कम हो जाता है, चीजें हल्की हो जाती है और हम उन्हें पानी के अंदर काफी आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पानी के अंदर अगर हम किसी चीज को डालते हैं तो पानी का जो वेट है वो बढ़ता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे इस ईट को और फिर डालेंगे हम इसे 1 kg के वेट को। तो सबसे पहले हम इस ईट के वजन को नाप लेते हैं। अब रखते हैं इस ईट को स्केल मशीन के ऊपर और इसके वजन को भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो वजन है वो लगभग 2.5 kg के करीब करीब। अब इसे हटा देते और रखते इसे 1 kg के वेट को। 1 kg में तो 1000 ग्राम ही होते लेकिन फिर भी हम इसे नाप लेते क्योंकि इसके ऊपर की जो मार्किंग वो मिट चुकी है। तो अभी हम इसे स्केल मशीन के ऊपर रख देते और देखते इसका वजन कितना है। तो यहाँ पर इसका वजन है 991 ग्राम, यानी कि 1 kg को 11 ग्राम कम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे 1 kg नापेंगे। अब रखते इस पानी से भरे हुए जार को और इसे भी नाप लेते और इसका जो वजन है वो है लगभग 6 kg 300 और 500 के बीच में, शायद 6 kg 300 ग्राम। तो आप डालते हैं इस ईट को पानी के अंदर और फिर देखते हैं कि क्या पानी का जो वजन है वो बढ़ता है या फिर नहीं। तो हम इस ईट को पानी के अंदर आधा ही डालेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब मैंने इस ईट को पानी के अंदर आधा डाल दिया है और जो पानी का वेट है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर जो है 300 ग्राम से जो वजन है वो बढ़ चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि 300 ग्राम से जो पानी का वेट है वो बढ़ चुका है। अब मैं इस ईट को पूरा पानी में डाल देता हूँ और देखते हैं कि कितना वजन बढ़ता है। और अब जो इसका वेट है वो है लगभग 8 kg 600 ग्राम के करीब करीब। अब इस ईट को बाहर निकाल लेते हैं और अब डालते 1 kg के वेट को। तो पहले वेट देख लेते कितना है। तो गाइस यार यहाँ पर जो वजन है वो थोड़ा कम हो चुका है 200 या 300 ग्राम से, क्योंकि ईट ने जो है पानी को सोख लिया है। तो अब डालते इसे 1 kg के वेट को और यहाँ पर जो वेट है वो 7 kg 150 ग्राम के करीब करीब है। अब डालते इसे 1 kg के वेट को और देखते कि कितना वेट जो है बढ़ता है। अब 1 kg का वेट पानी में जा चुका है और यहाँ पर जो है 100 ग्राम से जो है वेट बढ़ चुका है। तो गाइस यार आप लोगों ने देखा कि पानी के अंदर चीजों को डालने से पानी का वजन बढ़ जाता है और वो चीजें हमें पानी के अंदर काफी ज्यादा हल्की लगती है और हम उन्हें पानी के अंदर काफी आसानी से उठा लेते हैं क्योंकि पानी उन चीजों के वजन को उठा लेता है, इसलिए हमें वो चीजें काफी ज्यादा हल्की लगती है। लेकिन इससे पानी का जो वजन है वो बढ़ता है। तो गाइस यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।